everyone. I am Sushant sir. Welcome to my online study center JMS JN Network. तो आज हम लोग एक इमेजिंग से टॉपिक लेके आए हुए हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में. तो आज के हम लोग का मेनली जीएससी का लेक्चर थर्ड होगा. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, लेविस एसिड्स क्या होते हैं, लेविस बेस क्या होते हैं, बॉन्ड क्लीवेज क्या होगा और बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो वहां से क्या क्या बनेगा, जिसमें हम मेनली तीनों को आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. एक रियली इमेजिंग ट्रिक होगा, आप मतलब फील कर पाइएगा कि हाँ कितना यूनिक भी है, कितना इमेजिंग भी है और इसके आपके ऑर्गेनिक के समझने के लिए कितना इम्पोर्टेंस है. ये सभी चीज आपको हम फील करा देंगे. तो चलिए हम लोग वन बाई वन स्टडी करते हैं. लोग शुरू करते हैं लेविस इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल से. सबसे पहले आपको हेडिंग देना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. मान लिया बना हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स और यहां पर लिए गए न्यूक्लियोफाइल. तो आपने तो एल्बम फाइल का नाम सुना ही होगा सर. जी सर, एल्बम हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें फोटो सुंदर सुंदर रखते हैं सर. खराब खराब फोटो कहाँ रखते हैं लोग, वो कहीं छुपा के रखते हैं ताकि पड़ोसी को नजर ना आ जाए. कहते हैं पड़ोसी का काम क्या होता है, गलत ढूंढना. वही तरह से हम लोग क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर. जैसे पर्स हो गया सर, पर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैसा रखने वाला. आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर पैसा रखते हो, तो उसको भी पैसा फाइल भी आप कह सकते हैं. मतलब आपको बताना यह चाह रहे हैं कि एल्बम फाइल का मतलब क्या होता है सर, वैसा चीज जहाँ पे फोटो रखा गया. डॉक्यूमेंट फाइल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखते हो. यानी कि सर यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जिसके नाम में फाइल लगा हो, जैसे मान लिया किसी के नाम में यहाँ पे फाइल लग जाए, यानी कि हम क्या किसका सुशांत फाइल लिखे, यानी कि इसको किससे प्यार होगा. फाइल मतलब लविंग स्पेस ले जाएगा और इसको किससे प्यार है, सुशांत से. जिसमें आपको क्या करना है, आपको किसी से प्यार है, जिसमें मान लिया रानी से आपको प्यार है, तो उसको ना ऐसे बोल करके क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ले लीजिएगा रानी फाइल. ठीक है, मतलब किसी अपने दोस्त को बताना चाहते हैं कि हम किससे प्यार करते हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे. मतलब यहाँ क्या बता रहा है, फाइल मतलब कि लॉक करना और किससे लॉक करना है, जो इसके पहले लिखा होगा. मतलब फाइल के पहले जो लिखा होगा वो उसी से प्यार करता है. समझा गया है. तब मॉडल में आप केमिस्ट्री यूज कीजिए, जनरल में छोड़ दीजिए. यह बोलने की जरूरत नहीं लगेगा कि हम इससे प्यार करते हैं. बस खाली क्या करना है, जिससे प्यार करते हैं उसका नाम लिखना है, लास्ट में फाइल लिख देना है. तो सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए फाइल मीन्स क्या हो जाएगा, लविंग स्पेसिस. कहीं भी आपको दिखे तो बस इसका मतलब याद रखने क्या करना है, लविंग स्पेसिस. मतलब फिर कुछ भी हो सकता है, हमको पता है बायोलॉजी के भाषा में बोलेंगे तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जितना छोटे छोटे बड़े बड़े सब कुछ होते हैं, सबको हम लोग स्पेसिस करते हैं. मतलब जितना भी कोई जीव जंतु हो गया, केमिस्ट्री के भाषा में सब स्पेसिस किसको बोलते हैं, जैसे आप लोग पढ़ेंगे बोले एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, रेडिकल्स हो गया, एटम्स हो गया, मोलिकुल्स हो गया, आयंस हो गया, कुछ भी हो सबको हम लोग क्या किसके अंदर रख देते हैं, स्पेसिस के अंतर्गत. और यह लॉबिंग स्पेसिस मतलब ये क्या करना है, लॉब करेगा स्पेसिस से. किस स्पेसिस से, तो इसका पहले क्या लिखा, इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन. हम लोग क्या ले देंगे सर, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉबिंग स्पेसिस. सर यहाँ से हमको ये नहीं समझ रहा, इलेक्ट्रॉन लॉबिंग यानी इलेक्ट्रॉन में सर चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज. यानी कि सर यहाँ से हमको यह पता चला कि इसको प्यार किससे है, माइनस से. अब देखिए दोस्त, हमको माइनस से प्यार है, हमको पता है फिजिक्स वाले क्या पढ़ाते हैं लोग कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्ज दूर दूर भगाएगा, अनलाइक चार्ज होगा तो पास पास बुलाएगा, कहे आ जा बेटा आ जा. यानी कि इसको प्यार किससे है, माइनस से. यानी खुद पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, तभी तो प्यार कर सकते हैं, माइनस से जस्ट अपोजिट होगा. तो निगेटिवली चार्ज लविंग स्पेसिस है, उन्होंने क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के लिख सकते हैं निगेटिवली चार्ज लविंग स्पेसिस. आप लोग अपने भाषा में हिंदी वाला जो होंगे लिख लीजिएगा, इसको किससे प्यार है, निगेटिव चार्ज से प्यार है. तो सर खुद क्या होगा, जब ये निगेटिव से प्यार है, खुद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. यानी लिख देंगे लोग पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस.
फर्स्ट सिंपल से आपको हम इलेक्ट्रोफाइल को भी डीपली आगे पढ़ेंगे, बीओसी के जस्ट बाद टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को डीपली पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको जरूरी है इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट पढ़ेंगे बस अपने काम चलाने के लिए। सर देखिए हमने क्या लिखे, पहला केस पर प्यार किससे होगा, निगेटिव चार्ज से। खुद इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर इसको पहचान क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, पहचान के लिए क्या करिए। सर सीरीज क्या है और कोई भी चीज दिया हो उस पर प्लस चार्ज हो, या फिर और आपको ट्रिक बताते हैं वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर इनकम्प्लीट ऑर्बिट हो। सर इनकम्प्लीट ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, उसके जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। सर 8 वाला इलेक्ट्रॉन फाइनल होता है, 8 वाला भी होता है लेकिन वेरिएबल वैल्यू से शुरू करता हूं। सर इसका एग्जांपल सीसीएल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लो आगे जब हम पढ़ाएंगे। बस आपको सीधा सीधी याद रखना है, किसी के पास प्लस चार्ज हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो या इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हो, वो सब क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सर एग्जांपल के रूप में मतलब सर सीधा सीधे हम क्या बोल सकते हैं कि निगेटिवली चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब वैसा कोई भी स्पेसिज हो, मतलब कि एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या रेडिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन, मतलब कि सभी एटम, मोलेक्यूल, आयन हो, कुछ भी ऐसा दिया गया हो जो इलेक्ट्रॉन प्यार से बुला लेगा आजा आजा, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, चल रहा तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, बुलाने वाला इलेक्ट्रोफाइल, भगाने वाला न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो सर हमने क्या देखा लोग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्पेसिज मतलब की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। एग्जाम्पल ग्रुप में कह सकते हैं CH3+ कहीं दिख गया तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, CH3 का भी बताएंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है, उन्हें भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और आपको फेमस न्यूटन में क्या मिल जाएगा, BCl3, ये सबसे क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सर कैसा होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी जब हम आपको कार्बोकेटायन कार्बोनेट पढ़ाएंगे तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो सब इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूक्लियर फाइल मतलब सर यहाँ पे फाइल मतलब लविंग हो गया। सर अभी तो आपने बोला कि जिसके नाम में फाइल लगा उसी से प्यार करेगा, इसके नाम में किस में फाइल लगा, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, इसको प्यार किससे है, जे न्यूक्लियस लविंग स्पेस, मतलब इसको प्यार किससे है, न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, सबको पता है, यानी कि यहाँ देखिए प्यार किसे कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, लिख देंगे लोग पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पेस। जब सर जी इसको प्लस से प्यार है, नहीं खुद का होगा, मानो चार्ज होगा, उल्टा कर रही है, हम प्लस से कब दोस्ती करेंगे, या कोई भी अमीर आदमी से कब दोस्ती करेगा, जो भिखारी होगा, भिखारी से कब दोस्ती करेगा, जब अमीर होगा, उल्टा काम यहाँ करना है, तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिज यानी कि किससे प्यार करेगा जी, निगेटिव चार्ज से, यानी निगेटिवली चार्ज स्पेसिज खुद का होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। सर क्या जितना इलेक्ट्रोफाइल होता है सब माइनस चार्ज होता है, ऐसा थोड़ी है, मतलब प्यार किससे करेगा, माइनस चार्ज वाला से। अब सर इस पे होगा क्या, देखिए प्यार किससे करे, प्लस चार्ज है, यानी प्लस चार्ज से करने की ये क्या करता होगा। अब देखिए भिखारी लोग तो अमीरों के पास ऐसे आते नहीं है लोग, उन लोग क्या करना पड़ता है, दाना डालना पड़ता है, जैसे चिड़िया को जाल में फंसाना है तो उसको पहले दाना डालते हैं लोग, जाल बिछाते हैं तब लोग फंसती है, वही तरह भिखारी लोग अमीर लोग कैसे पहले फंसाते हैं, मूवी लोग देखते हैं, अमीर लोग पहले उसको दाना दिया जाता है, दाना देने के मतलब उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसको प्यार किया जाता है ताकि होगा आपके प्रति अट्रैक्ट हो, उसके बाद से अपना जो भी काम करना होता है कर लेते हैं। यहाँ भी बेचारे प्लस चार्ज तो ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि प्लस तो आता नहीं है, फिर क्या करेंगे, पहले दाना डालेंगे, यानी कि जो निगेटिव चार्ज इसके पास है वो उस किसी को दे देंगे, यानी निगेटिव चार्ज देने के मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आपको आया होगा, जिसमें इसका सर न्यूक्लियोफाइल का पहचान क्या होगा, कोई हमको दे दे पूछेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो कोई भी स्पेसिज दिया गया हो उस पर माइनस चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड, इन तीनों में से अगर उसके पास कुछ भी है तो न्यूक्लियोफाइल होगा।
सर एग्जांपल बोल दिया गया, जैसे अभी वहाँ प्लस हो रहा लेकिन यहाँ सी थ्री माइनस हो जाएगा, तो लिंक फाइल होगा। एच टू ओ सर जी बिल्कुल लिंक फाइल होगा, यहाँ पे लोन फेल होता है। और सर जी सी एच टू का नाम सुनिए, सी एच टू डबल वन सी एच टू, यहाँ पाई बन है अभी क्या होगा, न्यूक्लियर फाइल है। सर बेंजीन रिंग का आप नाम सुने होंगे, अभी क्या होगा न्यूक्लियर फाइल। तो सर देखिए हमने अभी क्या सीखे लो, दो चीज सीखे लो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियर फाइल। सर अभी हमने क्या सीखा कि किसी के नाम में फाइल लगा होगा उसका मतलब वो लविंग स्पेशल होता है, वह उसी से प्यार करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको प्यार किससे है, इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियर फाइल मतलब इसको प्यार किससे है, न्यूक्लियस से। सर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से प्यार करेगा और न्यूक्लियर फाइल पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगा। सर इलेक्ट्रोफाइल माइनस से प्यार कर रहा है इसलिए इस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। और न्यूक्लियर फाइल प्लस से प्यार कर रहा है इसलिए इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस। दोनों जस्ट उल्टा होगा। सर प्लस वाला भिखारी होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन रिच होता है या इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो सर इलेक्ट्रोफाइल का पहचान क्या है, जिसके पास प्लस चार्ज हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो या इनकम्प्लीट, मतलब सीधी सी बस आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता हो एक्सेप्ट कर सकता हो वो सब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सर न्यूक्लियर फाइल का पहचान क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो। सर अभी तक हमने केमिस्ट्री में तीन ही को डोनर देखे हैं, या तो माइनस हो सकता है, लोन पे हो सकता है, या आई बन हो सकता है। तीन को ऐसा चीज होता है जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी चीज को डोनेट नहीं कर सकते। आपको बस दो चीज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर फाइल भी याद रखना है, एक या निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है मेनली। और कुछ ना याद रहे तो इतना याद रखना, या निगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इतना याद रखिएगा, काम चल जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए ये वाला याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए हमको प्लस चार्ज चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल चाहिए। और दान देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर और पाई बन चाहिए। एक जिसमें स्टूडेंट का कमेंट है कि सर अभी आपको पीछे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि HCl और HI में कौन मोर एसिडिक हुआ, कुछ लोग सही बताए हैं जो कि पहले हमसे जो पढ़े रहे लो मैक्सिमम वो सही बताए रहे लो, कुछ लोग गलत भी बनाए लो, उसको हम इन दोनों के हेल्प से भी बताएंगे कौन क्वेश्चन मतलब कि सही होता है। आज तो नहीं पढ़ेंगे लोग, कल उसका सोल्यूशन मिलेगा। एक स्टूडेंट का कमेंट है कि सर आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में वो प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जिसको भी प्रॉब्लम है ये समझ लीजिए लोग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जो पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। सर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव पड़ने का मतलब क्या होता है, और इसको स्क्रीन शॉट करके कॉपी बनाइएगा, डायरेक्ट ऐसे ही मतलब कि पीडीएफ बनाकर मत रखिएगा लोग, क्योंकि कॉपी बनाइएगा तो बेटर रहेगा कि किसके बाद क्या लिखना है, यहाँ तो समझाने के लिए कुछ भी लिख दिया जाता है, इसीलिए कॉपी बनाने के लिए कोशिश कीजिए लोग। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जिस पे पड़ता है उसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करने के लिए। इसमें हम आपको टू टाइप्स का पढ़ा चलो, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। परमानेंट में क्या बताया था, इंडक्टिव, मेजोमेरिक और हाइपर कंडेंसर। टेम्पोररी में इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक। मतलब सर ये क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना यहाँ चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अभी देखेंगे इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ वही लिख दिया है, तो इस OH के जुड़ने से इस कार्बन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का केवल इफेक्ट देखते हैं लोग, उसी को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसे चलते यही सब अभी इस लेसन में सीखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट देना है, टू टाइप्स का होगा, परमानेंट और टेम्पोररी। और परमानेंट में जो होता है तीन को तीनों के एक एक करके पढ़ ही रहे हैं, तो आपको आगे जैसे चलेंगे समझ में आ जाएगा। अभी तो हम इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं लोग, अभी उसको और आगे हम लोग देखेंगे लोग, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो पिछले क्लास में अच्छे से डील किए हैं, हो गया होगा इसको। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियर फाइल कम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट पढ़ेगा लोग, कम्प्लीट सर इलेक्ट्रोफाइल जब जीओसी कम्प्लीट करेंगे उसके बाद। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लेविस एसिड और एक देख रहे हैं लेविस बेस। लेविस बेस सर लेस एसिड किसे कहेंगे और लेस बेस किसे कहेंगे, ये सीधी सी बात है। सर आपको अभी यहाँ पर नहीं पता चलता मतलब ये दोनों किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बस दोनों का खेल इतना ही बेस्ड है। तो सर याद कैसे रखेंगे कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कौन एक्सेप्ट करता है,
तो बस यहाँ याद रखना है ए है, ए से एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टर होता है, और यहाँ सर बी है, बी से बांटना है। यानी कि सर यहाँ से हमको यह सीख लिया, जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट मतलब लेगा, प्राप्त करेगा, उसको लेविस एसिड बोल देंगे। जो इलेक्ट्रॉन को बांटेगा, डोनेट करेगा, वो क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। तो सर यहाँ पर लेविस एसिड के लिए क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन इसके पहले एक वर्ड ला रहे हैं पेयर, या अच्छे से याद है, ये पेयर मतलब जुड़ा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है लेकिन जोड़ा में ही लेगा, एक एक बेचारा को पसंद नहीं है, दो चार छह आठ ही ले सकता है, मतलब ये को दीजिएगा तो गुस्सा कर फेंक देगा। उसका कहेंगे लोग सर लेविस एसिड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता हो। लेविस बेस किसको कहेंगे लोग सर, सीरीज बात है, अब डोनेट करेगा लेकिन ये किसमें करेगा, पेयर में, इलेक्ट्रॉन पेयर। सर अभी तो आपने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो क्या सर सभी इलेक्ट्रो मतलब की देखे इसमें हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या लेविस एसिड जो है वो बराबर होगा न्यूक्लियोफाइल के। और सर यहां पर लिख सकते हैं क्या, लेविस बेस, लेविस एसिड बराबर होगा इलेक्ट्रोफाइल के। तो अभी हमने क्या सीखा था लोग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर, अभी यहां भी देखे लो लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर और लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सर क्या दोनों इक्वल हो सकता है, देखिए ऑल लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, बट उधर से दे इधर से इधर जाने वाला तो सही है, इधर से इधर आने वाला गलत, ऑल नहीं हो सकता है, ठीक है। सेम इधर से इधर से इधर जाने वाला तो सही है, इधर से इधर आने वाला है गलत। सर नहीं समझे क्या बता रहे हैं, मतलब ऑल लेविस एसिड कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल कैन एक्ट एज लेविस एसिड, ये सही नहीं है। सेम इस तरह से ऑल लेविस बेस कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बट ऑल न्यूक्लियोफाइल नॉट कंटेन डज नॉट कंटेन एज लेविस बेस। समझ में कुछ नहीं समझ में आया सर, मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना आप लेविस एसिड पढ़िएगा सबको इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, लेकिन सभी को इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड नहीं कह सकते हैं। सर ऐसा क्यों, तो देख दोनों बस इतना डिफरेंस है, या ओनली पेयर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, करेगा या कुछ भी कर सकता है। जैसे में सर मतलब इलेक्ट्रॉन को एक भी एक्सेप्ट करता है, दो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तीन भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे पेयरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। मतलब नहीं लेविस एसिड केवल दो चार छह इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल एक भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, मतलब क्या है सब कुछ हुआ। इसीलिए आपको बताया कि यह दो करेगा तभी इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, चार करेगा तभी इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, लेकिन यहाँ एक कहेगा तब तो लेविस एसिड नहीं कर सकते हैं, फिर तीन करेगा तब लेविस एसिड नहीं करेंगे, केवल दो करेगा तब लेविस एसिड बोल सकते। हमने क्या सीखा लो, जितना लेविस एसिड होता है सब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड नहीं कर सकते हैं, हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकते है। यहाँ यही होगा, एक क्या होगा ओनली पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और यह कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो सर हमने समझ लिया था, सर यहाँ से हम लिख सकते हैं सर लेविस एसिड कौन हो सकता है, जिसमें निगेटिव चार्ज हो और लोन पेयर हो, यहाँ दोनों लेविस एसिड हो जाएगा। लेविस बेस सर सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे जिसमें प्लस चार्ज हो और वैकेंट ऑर्बिटल, यही दो लेविस एसिड हो सकता है सर, लेविस बेस जिसपे लोन पेयर हो और निगेटिव चार्ज हो,
जैसे OH माइनस हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ये सब लेस बेस हो सकता है। इसके लिए कहा जाए जो अगले लिखे थे BCl3 ये भी हो जाएगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और सर जी पॉजिटिव चार्ज वाला CH3+ ये भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों समझ में आ गया। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वन में और मतलब और इवन कुछ भी मतलब पेयर भी हो सकता है अनपेयर भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर वो भी ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है, वहां नंबर मेंशन नहीं किया गया। सभी लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है पर सभी इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड नहीं हो सकते हैं और इवन और ऑड का डिफरेंस है। सभी लेविस बेस न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, सभी न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद सर लेविस बेस का पहचान क्या है, जिसके पास लोन पेयर और निगेटिव चार्ज हो। लेविस एसिड का पहचान क्या है, जिसके पास प्लस और सेकंड ऑर्बिटल। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी डीपली अच्छा से आगे पढ़ेंगे लोग। अब ये बॉन्ड की लिखेज हम लोग देखते हैं। बॉन्ड की लिखेज इसको और क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड फ्यूजन और क्या बोल सकते हैं जी, बॉन्ड डिसोसिएशन। सर यहां हमको एक बात में कंफ्यूजन होता है, सर फ्यूजन एक होता है फ्यूजन होता है, सर यही पे कंफ्यूजन होता है कि कब जोड़ना है कब तोड़ना है। कभी फ्यूजन लिख देते हैं लोग, कभी फ्यूजन लिख देते हैं, सर कैसे याद रहे कि जोड़ना कब है तोड़ना कब है। तो इसके लिए बस याद रखिए, देख ये यहाँ दो वेस लगा है तो दो को यानी कि दो भागों में बांट देना है, या एक ही को लगे यानी कि यहाँ पे जोड़ना है। तो दो को जहां आएगा उसको तोड़ दीजिए, एक होगा वहां पर लाकर जोड़ दीजिए। तो फ्यूजन मतलब तोड़ना होता है और फ्यूजन मीन्स जोड़ना होता है। तोड़ने के इसको है बॉन्ड। सर यहाँ टू टाइप्स का होता है, एक को क्या कहेंगे लोग होमो लाइसिस और एक को क्या बोलेंगे लोग हेटेरो लाइसिस। और सर होता है इसको और हम बोल सकते हैं होमोलेप्टिक और सर इसको बोल सकते हैं हेटेरोलेप्टिक। सर एक और पार्ट में इसको डिवाइड मतलब और चीज बोल सकते हैं लोग अनायोनिक और यहां इसको सर बोल सकते हैं लोग आयोनिक। सर देखिए हमने क्या पढ़ा है, होमो मतलब सर एक समान होता है और सर हेटेरो मीन्स हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, अलग अलग। और सर यहाँ देखिए लाइसिस जहां भी लिखा होगा बायोलॉजी वाला तो ऐसे प्रभाव रहेगा आपको पका दिया होगा, लाइसिस मतलब क्या होता है तोड़ना होता है। यहां भी क्या लिखे हैं लाइसिस मतलब क्या हो जाएगा तोड़ना मतलब। सर देखिए हमने क्या सीखा होमोलाइसिस मतलब कि जो बॉन्ड है उसको एक समान तोड़ेंगे मतलब कि भेदभाव कोई नहीं लगाएंगे। यहाँ हेटेरोलाइसिस मतलब यहाँ हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे मतलब कि भेदभाव करके तोड़ना है। उसी के यहाँ हेटेरोलेप्टिक मतलब हेटेरो मतलब तो विषम हो गया भेदभाव होगा, यहाँ होमोमिंस नहीं होगा। सर नॉन आयनिक मतलब क्या होता है, सर यहाँ हमको ये समझ में आना है कि जब ये टूटेगा तो आयन्स नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सर यहाँ हमको पता चलेगा यह टूटेगा तो आयनिक यानी कि आयन्स बनेगा। सर एक चीज हमको समझ में आ गया, यहाँ आयंस नहीं बनेगा यानी कि इसका टाइप्स भी नहीं होगा। नहीं सर यहाँ आयंस बनेगा इसका मतलब सर हमने पढ़ा है कि आयंस कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। एक तो सर केटायन बोलते हैं लोग और एक को सर एनायन बोलते हैं, यानी कि हमको लग रहा है कि सर यहाँ दो टाइप्स का होगा। जी बिल्कुल दो टाइप्स का ही होगा। मतलब हमने क्या सीखा लोग, सर जब भी बॉन्ड क्लीवेज कहा जाएगा, बॉन्ड फ्यूजन कहा जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन कहा जाएगा मतलब सबका मतलब तोड़ना होता है।
जब भी सर बॉन्ड को तोड़ेंगे लोग तो दो तरह से हम लोग बांट दिए, एक वो मतलब बिना भेदभाव अच्छा दोस्ती के करके तोड़ना है, और एक बार सर चोर और मतलब शरीफों के बीच में बॉन्ड टूटेगा। मतलब यहाँ क्या होगा, दोनों अलग अलग आइटम होगा, दोनों में से एक चोर होगा एक शरीफ होगा, मतलब यह सेम तरह से बॉन्ड नहीं टूटेगा। यहाँ दोनों बेचारा शरीफ होगा या चोर होगा, मतलब यह अच्छा से तोड़ेगा, मतलब की ईमानदारी से तोड़ेगा। सर एग्जाम्पल है समझाइए, मान लीजिए यहाँ ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो सर हमने आपको क्या पढ़ाया गया है कि सर यह जो बॉन्ड आप दिख रहा है सर कितना इलेक्ट्रॉन से बना होगा, दो इलेक्ट्रॉन, एक को इसका इलेक्ट्रॉन होगा और एक को इसका इलेक्ट्रॉन होगा। कभी भी याद रखे एक बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन होता है, और वहीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो चार इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना होता है। तो सर देखिए यहाँ पे अगर आपने सीखा जाए हम लोग तो यहाँ क्या होगा सर, इसको एक समान तोड़ना है, यानी सर यह इलेक्ट्रॉन किसका है, इसका है, यह इलेक्ट्रॉन किसका है, यहाँ इसका है, यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं करना, एक समान तोड़ना है। तो हम लोग बॉन्ड में कहां चलेंगे, लोग यहां से चलेंगे। तो सर देखिए ए जो आप था वो अपना ले लिया और अभी यही है, तो इसको टू टाइम्स ले लेंगे। सर अलग अलग आइटम होता तो मान लेते हैं अलग अलग ही है, फिर भी यहां भी देखिए क्या होगा, दोनों आपने एक कहा को लगाया होगा तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ दिया यहां से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए पे फ्री रेडिकल प्लस बी पे फ्री रेडिकल, मतलब यहां कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड में जो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन लगा था दोनों का आपस में अलग अलग कर दीजिएगा। तो सर यहाँ पे जो बनता है डॉट कर देते हैं, इसी को केमिस्ट्री के भाषा में फ्री रेडिकल बोलते हैं। यह मेनली हम लोग का अभी किसका पढ़ना है, जब कार्बन पे फ्री रेडिकल और उसको पढ़ना है, ठीक है। सर देखिए यहाँ नॉन आयनिक मतलब क्या होगा, सर देखिए इसको हम लोग बात करें, यहाँ तो बेमानी करना है, ए और बी हो गया, आपने पढ़ाया दोनों में से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी एक का ज्यादा होगा और किसी एक का कम होता है, दोनों का मेल बराबर नहीं होगा। तो मान लेते हैं लोग कि यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये आपको आगे समझ में जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। तो सर देखिए हमको पता है कि कौन मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब छीनने वाला कह सकते हैं चोर है। तो सर देखिए हमने तो क्या सोचा था कि यह दोनों आपस में एक और इलेक्ट्रॉन लगा कि यह बॉन्ड बनाया होगा, ये सब देखे यह चोर है, तो आपको क्या लग रहा है कि जब ये तोड़ेंगे तो दोनों अपने एक एक लेके जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, चोर करने का मतलब वो चुरा के ले जाएगा, तो यह क्या करता है इसका भी इलेक्ट्रॉन चुरा के लेके जाता है। तब देखिए हमने यहाँ क्या देखा लो सर, इसमें जब बॉन्ड तोड़े तो किसको फायदा और किसको घाटा हुआ होगा, यहाँ देखिएगा तो सर कोई फायदा कोई घाटा नहीं होगा, अपना अपना लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो तोड़ते हैं तो ए हो गया प्लस बी हो गया, तो आपसे पूछा जाए कि सर किस पे फायदा हो रहा है किसको घाटा हो रहा है। देखिए दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया था, इसको ई क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, सर बी को फायदा हो रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ जाएगा, और ए को सर घाटा हो रहा है, कितना इसको लॉस हो रहा है, देखिए इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना था, दो, लेकिन एक किसका था, बी का, और एक किसका था, ए का। सर ई क्या किया, इसका एक तो अपना जो था उधर लेके गया, ई वाला भी खुद लेके चला गया, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा कितना होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन दो होगा, लेकिन अधिक मतलब कि दूसरा का इलेक्ट्रॉन कितना लेके आ रहा है, एक ही, नहीं समझ में आया सर। देखिए हम बताने चल रहा है कि देखिए एक बॉन्ड जैसे हम तोड़ेंगे तो बी के पास दो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन एक तो इसका खुद का है लेके आ रहा है कितना, ऐसे एक ही को लेके आ रहा है, इसीलिए इसको हम माइनस चार्ज लेंगे, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होता है मतलब जो लेता है उसपे हमको पता है माइनस चार्ज होता है, ए इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इस पे क्या लिखेंगे लोग, प्लस चार्ज लिखेंगे लोग, ठीक है। अब देखिए सर हम यहाँ को यह बताने का मेन रीजन यह था कि बी पे माइनस चार्ज आ रहा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा कि दो होगा, तो यहां आपसे पूछा जाएगा सर देखिए एक और एक दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला के उसको माइनस करते हैं, मतलब कहीं भी माइनस चार्ज दिखे तो आपसे पूछा कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक माइनस में, तो दो इलेक्ट्रॉन बोलना है। सर फिर एक ही माइनस क्यों लेते हैं, कि एक खुद का होता है और एक पड़ोसी का होता है, समझ में आ गया होगा। सर इसमें प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, तो हमने समझ में आया सर इसको जिसमें मान लिया ऐसा दिया होगा सी हो गया डी हो गया, यह मान लिया इस बार चोर है मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया और यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। तो सर इस बार भी देखिए दोनों अपना एक अलग इलेक्ट्रॉन लगाया था, जब इसको तोड़ेंगे लोग तो कौन किसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा,
सर इस बार सी डी का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो सर कितना सी डी का इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता है? यार ये कोई अपने आप मान लिया बिजनेस में लगाए, ऐसे सोचिए हम मान लिया अपना बिजनेस में 10 रुपए लगाए, 10 को आप लगा दिए, दोनों आदमी 10-10 रुपए मिल गए, कोई बिजनेस कर लो, लेकिन आपको क्या लगा था कि हम बहुत सही आदमी है, लेकिन हम बाद में चोर निकल गए, तो आपका जो पैसा लेके जाएंगे, हम मान लिया चोरी करेंगे तो अधिक से अधिक कितने का चोरी कर सकते हैं? 20 रुपए का, लेकिन आपको घाटा कितना होगा? केवल 10 ही रुपए का ना होगा, 10 रुपया तो हमारा अपना ही था, आपका 10 ही रुपया था, तो इस तरह से आप चोरी करेगा तो इसके पास मतलब पैसा कितना होगा? 20 रुपया, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कितना होगा? 10 रुपया, 10 तो खुद इसी का था, वही तरह से यहाँ पे मान लीजिए सी चोरी करेगा तो अधिक से अधिक कितना कर सकता है? 10 ही का, यानी कि अधिक से अधिक एक इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक तो खुद इसी का था, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चोरी करेगा उसको एक चोरी किया एक एक माइनस होगा, डी का बचा कम कितना हुआ? एक हो, क्योंकि उसका एक ही को मतलब चोरी हो सकता है, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, अब हम लोग एक माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 माइनस। तो सर हमने यहाँ से क्या सीखा कि यहाँ पे जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करते हैं लोग तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, कोई आयंस नहीं बनता है, आयंस कब लिखेंगे लोग? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा, ट्रांसफर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, ये बेचारा ईमानदार था, आपस में जो तुम्हारा था लेके जाओ, जो तुम्हारा था लेके जाओ, किसी से किसी को कोई मान लीजिए बैर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लॉस और गेन होता है, एक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और एक अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो लॉस करता है उसमें प्लस चार्ज आता है, जो गेन करता है उसमें माइनस चार्ज आएगा, और यह जो प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, और यह प्लस चार्ज कार्बन पे होता है, मान लें कि यदि यह प्लस चार्ज कार्बन पे होता है तो इसको हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं, और यह माइनस चार्ज यदि कार्बन पे होता है इसको क्या बोलते हैं लोग? कार्बन है। तो सर हमने क्या पढ़े लोग कि जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, और जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। सर बॉन्ड क्लीवेज 2 टाइप्स का, होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक, होमोलिप्टिक और क्या बोल सकते हैं लोग? होमोलाइसिस और नॉन आयनिक। हेट्रोल बॉन्ड लिप्टिक को क्या बोल सकते हैं लोग? हेट्रोलाइसिस और आयनिक। सर होमोलाइसिस में क्या होता है? इक्वली में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसको हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं लोग। आयनिक में क्या होता है? यह 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2 भागों में बट जाता है, एक सर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। एक पे सर प्लस चार्ज आएगा जो लॉस करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर प्लस चार्ज आएगा, जिसका ज्यादा होता है उस पर माइनस चार्ज आएगा। प्लस वाला यदि चार्ज कार्बन पे होगा तो कार्बोकेटायन, और माइनस वाला चार्ज यदि माइनस कार्बन पे होगा तो कार्बन आयन। सर यह हम लोग कैसे बनता है, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये सब चीज आपको आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे वहां पे सभी चीज पढ़ाएंगे। अभी हम लोग कहेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टी जरूरी है, जैसे फ्री रेडिकल के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से। जब ये अपना ग्रुप क्या करेगा? डोनेट कर देगा। कार्बन आयन कब बनेगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से। जब वो अपना क्या करेगा? बॉन्डेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट कर लेगा। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग का देखना है। मतलब कुछ लोग होते हैं लोग कि फ्री रेडिकल कंडीशन जो बनता है ये पढ़ा देता है, अपना पढ़ाने का स्टाइल यूनिक है, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब जीओसी कंप्लीट होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे कि फ्री रेडिकल बनने का कंडीशन क्या होगा, फ्री रेडिकल क्या क्या कर सकता है, और इसमें कितना रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सब एक साथ पढ़ेंगे। आई बस इसका इंट्रोडक्शन देखते रहना ताकि जीओसी अच्छे से समझ सके। तो दूसरे से कंपेयर अभी वैसे नहीं करना है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे लो उसके बाद कंपेयर करना है, नोट हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और किसी को लगता हो कि फास्ट पढ़ाते हैं तो भी कमेंट करना है, क्योंकि यार लाइव तो लेक्चर है नहीं, लाइव भी अब मतलब कि बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसके लिए सिस्टम लेने के लिए प्लानिंग है, तो आपको लाइव भी मिल सकता है, और टेस्ट का भी व्यवस्था आपको कर रहे हैं, मतलब बस जुड़े रहिए लो, आपका रिजल्ट बेटर होगा, और थोड़ा सा अपने लिए शेयर करते रहना दोस्तों के साथ में, और लाइक शेयर कर दीजिए लो ताकि अपने को भी मोटिवेशन एनर्जी मिलते रहे। आपको लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और शेयर तो यार जरूर कीजिए लो, अच्छा लगे तो भी, खराब लगे तो भी कमेंट जरूर कर रहे हैं।
ताकि हमको पता तो लग सके कि आप लोग का लगता कैसा है। नहीं गलत लगता है इसलिए देखते हैं लोग बहुत लोग लेकिन कमेंट बहुत कम आता है, ये सब गलत बात है। आपको जैसा फील लोग कमेंट किए ताकि अपने में और गलत हो तो सुधार भी कर सके। नहीं थ्री रेड का लोग यहाँ यहाँ तुम लोग और काले का लोग कार्बोकैटायन और एक काले के लोग कार्बन है। सर इसका नाम अलग अलग होता है तो नाम हम आपको बताएंगे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन को और क्या लिख सकते हैं लोग कार्बोनियम है, कार्बोकैटायन को ही कार्बोनियम आयन कहेंगे। सर कार्बोकैटायन कब कहेंगे लोग जब कार्बन में क्या होगा प्लस चार्ज होगा, कार्बन आयन कब कहेंगे लोग जब कार्बन में क्या होगा माइनस चार्ज होगा, फ्री रेडिकल कब कहेंगे लोग जब कार्बन पे ऐसा फ्री रेडिकल बना होगा डॉट करके दे देगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं बाकी आपको एक एक करके पॉइंट लिखा देगा। सर देखिए फ्री रेडिकल में हम क्या कहेंगे सर मान लीजिए कार्बन हो गया फ्री रेडिकल बन गया, अभी नहीं सोचना है कैसे बना है कैसे बनता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको मान लीजिए चल रहे हैं कि एक फ्री रेडिकल बन गया सर यह हो सकता है और भी सर हो सकते हैं जी बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे सी एच मतलब कुछ भी हो सकता है बस कार्बन ने याद रखना होगा तीन ही चार को बॉन्ड बनाते हैं एक तोड़ेंगे तभी तो फ्री रेडिकल बनेगा, तीन को बॉन्ड होगा और एक ऊपर डॉट होगा। सर कार्बन एन के लिए बस यही होगा यहाँ भी एक तो बॉन्ड टूटा हुआ चार को बॉन्ड था तो एक ब्रेक करेगा यहाँ भी बॉन्ड बचा कितना होगा तीन को और एक यहाँ पे क्या होगा प्लस चार्ज होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सर कार्बन आयन में भी क्या होगा नहीं यहाँ तो पता है कि बॉन्ड तोड़ेंगे तो ही कार्बन आयन बनाएंगे। अभी आपके माइंड में एक रिक्वेस्ट है कि बस यह गलती से भी नहीं सोचना है कि यह कैसे बन रहा है, आपको बस यह सोचना है कि क्या हो रहा है कैसे बन रहा है। हम लोग आगे करके एक एक करके सबको पढ़ेंगे वहां पे प्रिपरेशन क्या होता है इसका रिएक्शन क्या होता है सब चीज पढ़ेंगे लोग। मतलब अपना मेथड है कि एक पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे। अभी जीओसी में यूज आएगा इसलिए इसको पढ़ रहे हैं लोग। कार्बन एन में क्या हुआ सर देख चार को बॉन्ड था एक हम लोग तोड़ेंगे लोग तो वहां पे क्या जाएगा माइनस आ जाएगा और बाकी यहाँ पे जो मन करे वो लिख सकते हैं हम लोग। मतलब देख एक कार्बन होगा तीन को बॉन्ड होगा और एक माइनस चार्ज होगा तो उसके कार्बन एन कहेंगे लोग। कार्बोकैटायन एक कार्बन होगा तीन को बॉन्ड बनाया होगा एक प्लस चार्ज होगा तो उसको कार्बोकैटायन कहेंगे और एक कार्बन जिसके तीन को बॉन्ड हो और एक डॉट हो उसको फ्री रेडिकल कहेंगे। सर यहाँ हमें अभी सीखना क्या है सीखना यह है इसका जनरल प्रॉपर्टी सीखना है। सर कह सकते हैं लोग यह जो कार्बन है मतलब जिसपे फ्री रेडिकल है उसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है तो आइए काउंट करते हैं। सर देखिए लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे तो इसके लिए जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है सबको काउंट करते हैं। ऐसे मत सोचेगा लोग कि सर यह इलेक्ट्रॉन किसका है तो हाइड्रोजन का है नहीं ऐसा नहीं सोचते हम। जब शेयरिंग करके यह बॉन्ड बन गया तो यह जो इलेक्ट्रॉन है दोनों मतलब ये क्या इसका हाइड्रोजन का था कार्बन का था तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ में काउंट होगा। मतलब हाइड्रोजन के लास्ट में पूछा जाएगा तो यह दोनों काउंट करके दो बता देंगे, कार्बन का पूछा जाएगा तो इन दोनों को काउंट करके ही कार्बन में बताएंगे क्योंकि ये आपको लेस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं तो ये दोनों वाला इलेक्ट्रॉन मान लेंगे कि दोनों के साथ शेयरिंग है इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे अधिकार किसका है कार्बन का भी है उतना ही हाइड्रोजन का भी है मतलब दोनों के साथ बराबर शेयरिंग करेंगे। जैसे मैं जस्ट लाइक ऐसे सोचना है कि मान लीजिए आप हो गए या आपका दोस्त हो गया दोनों आदमी 10 रुपए ले जाए कोई कंपनी खोले लो तो पूछा जाएगा उस कंपनी में पूंजी कितना का लगा 20 रुपया तो आपको पूछा जाएगा आपका अधिकार कितना पे क्या 10 रुपए बोलिएगा नहीं आप किस चीज से क्या बोलेगा कि मेरा ही कंपनी मतलब आपका अधिकार कितना पड़ेगा 20 पे शेयरिंग कितना का है 10 का। तो सेम उसी तरह से यहाँ दोनों के साथ ही काम करते हैं लोग। सर कितना होगा कार्बन के लास्ट में दे यहाँ पे कितना काउंट मिल गया 2 सर यहाँ भी कितना होगा 2 और यहाँ भी कितना होगा 2 और एक यहाँ ऑलरेडी था सर कितना हुआ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब एक बॉन्ड आपको कभी भी दिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा लोग 2 होगा तो 4 चार होगा तो 8 ऐसे काउंट करें मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। सर देखिए यहाँ भी कितना हो गया 2 हो गया यहाँ भी एक बॉन्ड है तो 2 हो गया और यहाँ भी एक बॉन्ड है तो 2 हो गया और एक फ्री रेडिकल 2 4 6 1 7। सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट करें क्योंकि एक इसका था और एक इसका था। सर कार्बन वाला केवल काउंट कीजिए ऐसा नहीं करते हैं लोग। हम मान के चलते हैं कि शेयरिंग से बॉन्ड बना है दोनों में दोनों का हक है। उम्मीद करते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे समझ आ गया होगा। सर फ्री रेडिकल का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है।
यहाँ कहाँ पे है देखिए, इसमें कितने हैं सर, दो गो, यहाँ भी कितने हैं दो गो, और यहाँ भी कितने हैं दो गो, और सर एक प्लस चार गो, देखिए दो गो दो चार गो और दो गो छह गो, और एक गो प्लस यानी कि दे दिया है अपना इलेक्ट्रॉन, तो सर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पांच इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि गलत होगा। देखो दोस्त हम लोग क्या करना है, प्लस चार्ज कब आया होगा, जो मान लिया बॉन्ड था यहाँ पे कुछ भी जुड़ा होगा तो इसको ऐसे तोड़ दिया होगा, तो पहले से इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, दो चार छह और दो आठ था, जैसे हमने इसको तोड़ दिया जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसपे कौन सा चार्ज आ गया माइनस, यहाँ कौन चार्ज आ गया प्लस, तो देखिए जो भी कम बेस होगा केवल इसी बॉन्ड में अलग हो रहा है, यहाँ पे आठ था दो कम हो गया कितना हो गया छ बच गया, तो हमने इस इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं कर रहे, तो मान लेंगे यहाँ प्लस चार्ज क्या है, वो देने से प्लस आ गया है, इस इलेक्ट्रॉन तो अभी तो इसके पास है, तो इसीलिए जो आपने पढ़ा होगा लोग एन एस से एन ए प्लस बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, यहाँ इसलिए हम करते हैं लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके काउंट करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो तोड़ दिए उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लॉस नहीं करना है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दो यहाँ पे दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सर प्लस में कम क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो या ना हो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ पे जो बॉन्ड था उसको तोड़ दिया उसके बाद प्लस है, तो हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे, समझ में आ गया होगा, इनऑर्गेनिक वाला यहाँ वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे सर क्या होगा, देखिए दो गो यहाँ दो गो यहाँ और दो गो यहाँ, तो दो दो चार और दो छ, अभी आपको क्या बात है एक माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन दो गो, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो सर अभी हमने क्या सीखा लोग, फ्री रेडिकल में जो होता है उस कार्बन के लास्ट में सेवन इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बोकैटायन के लास्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन आयन के लास्ट में आठ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने सर पर क्या पढ़ा था लोग, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल पढ़ा था, मतलब हमको पता था कि कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है अपने लास्ट सेल में आठ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ भी अब बॉन्ड क्यों बनाएगा अपने लास्ट सेल में आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ देखिए सर यहाँ सात हुए, हमको पता है कि सात आठ से कम होता है, यानी कि क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप हिंदी में लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कमी है, सर छ भी तो आठ से कमी होता है जी बिल्कुल, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। सर आठ को क्या बोलिएगा, देखिए आठ यदि इसी का रहता है तो लिखते लोग कि इलेक्ट्रॉन का मतलब कि बराबर है, लेकिन ये को तो आपको पता है कि माइनस चुरा के लाया है, तो बताइए कोई अपना मतलब कि सपोर्ट आपके पास चार ही रोटी भूख लगाओ चार ही रोटी खाने लायक हो, लेकिन एक रोटी किसी और से लेकर के चुरा के लाएंगे तो यार शांत हो जाइएगा उछलिएगा कि ये तो अपना है नहीं दूसरे का है ले लो दे दो, ऐसे बहुत सारा मतलब लोग फैक्टर आता है, क्योंकि अपना रहता है तो ये ज्यादा करते हैं चुरा के लाते हैं उसका यद कम होता है, ये बात आपको भी पता होगा, डर भी होता है कि कोई देख लेगा तो पिटा जाएंगे, यानी कि जल्द से जल्द हटा दो, जल्द से जल्द आपको मतलब कि पूछा जाए कि मान लीजिए आपका सुंदर सा साइकिल है ठीक है, और एक मान लीजिए ये आपका साइकिल नहीं है, मतलब कि ये जो साइकिल है आप चोरी करके लाए हुए, तो कौन सा साइकिल पहले बेचिएगा जो चोरी वाला है, तो उसी तरह से यहाँ रहता है इसके पास आठ ही इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी आठ ही चाहिए, लेकिन इसको बुक हम लोग क्या लिखता है कि इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है जी जो माइनस चार्ज है ये स्टेबल नहीं होता है, किसी को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होना चाहता है, तो यह माइनस कभी ले तो सकता है नहीं, ये दे गए तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच के कैटेगरी में डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि फ्री रेडिकल सात इलेक्ट्रॉन, कार्बोकैटायन छह इलेक्ट्रॉन, पांच एनियन छह वाला और कार्बन है आठ इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और कार्बन एन इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में डालते हैं। जब यार आपके पास पैसा की कमी है तो मांगिएगा किसी से हाथ फैला के, किसी को दे तो नहीं सकते हैं, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, मतलब यह इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यह क्या होगा इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा, और इसके पास ज्यादा है रिच मतलब धनी आदमी होता है तो क्या करेगा बांटने का काम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनर। यहां तक तुमको लगता है समझ में आ गया, और दिए सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वालों दो को पढ़े थे लोग, एक तो लेविस जैसी पढ़े थे
और एक इलेक्ट्रोफाइल परत है। तो क्या होगा, कौन यह मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस लिख देते हैं उसे शॉर्टकट में, तो जो फ्री रेडिकल है क्या लेविस एसिड हो सकता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? देखिए इसके पास हाई कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। सर ले कितना सकता है, सर 8 पूरा करना है, तो और कितना ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सर 2 नहीं ले सकता है, नहीं 2 नहीं ले सकता है, लेकिन 2 लेगा तो 7 और 2 9 हो जाएगा, मतलब कितना ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन सर लेविस एसिड की कंडीशन क्या था, जो पेयर में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4 ले सकता है, पेयर में चाहिए, तो सर 2 तो ले नहीं सकता है, कितना लेगा अधिक से अधिक, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए मैं इसको लेविस एसिड नहीं कर सकता। लेविस एसिड के लिए कंडीशन क्या आता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर में लेना। सर इलेक्ट्रोफाइल इधर कहते हैं कुछ भी आ जाओ कोई टेंशन नहीं है, जो आएगा वो रख लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एक भी ले, दो भी ले, चार भी ले तो हो सकता है, तो सर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। सर यहाँ देखे तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लेकिन इसके पास है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या सर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि 2 और 6 मिलकर 8 हो जाएगा। क्या सर 1 ले सकता है, 1 भी ले सकता है, मतलब कि आप कुछ भी इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, 1, 2, 2 तो सर एक क्या हो जाएगा, लेविस एसिड भी होगा और इलेक्ट्रोफाइल भी होगा। सर यह डोनर है, सर डोनर हम लोग को पता है कि हो सकता है, एक तो सर लेविस बेस आपने बताया और एक न्यूक्लियोफाइल करते हैं। नहीं ऐसे सोच सोच के पढ़िएगा लोग तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा और लॉन्ग टाइम तक याद हो जाएगा, या रट्टा तो सबको ही मार लेता है, बस अपने माइंड में सोचिए क्या लिखा है, क्या हो सकता है। एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाला दो चीज, लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल, यह एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तो इसको हम लोग दोनों बोल देंगे, जोड़ा में ले सकता है, पेयर में ले सकता है, तो लेविस एसिड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, या एक ले सकता है, दो भी ले सकता है, यानी कि पेयर में नहीं लगेगा तो लेविस एसिड नहीं कहेंगे लोग, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, क्योंकि वह कुछ भी ले सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनर के बाद क्या लिखेंगे लो, सर डोनेट करने वाला दो परत है, लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ सर देखेंगे तो क्या होगा, लेविस बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्योंकि इसके पास देखिए होता क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस है, माइनस में सर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि देने के लिए तैयार कितना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यह देता है तो पेयर भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो लेविस बेस हो गया, और हम तो पता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन देगा तब भी न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, और एक से ज्यादा देगा तब भी न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, मतलब यहाँ से फिर से एक बार समझ लीजिए, सर फ्री रेडिकल का लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, यानी कि हमको 8 पूरा करना है, और ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कार्बन आयन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि दूसरा से एक इलेक्ट्रॉन लाया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो फ्री रेडिकल है ये लेविस एसिड तो नहीं होता है, बट इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कार्बोकैटायन है, लेविस एसिड भी होता है, क्योंकि पेयर में एक्सेप्ट कर सकते हैं, 6 है तो 2 करके 8 पूरा कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। कार्बन है, लेस बेस होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल भी होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहते हैं कुछ भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और कुछ हमें प्रॉपर्टी देखते हैं, सर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। एक और चीज आपको यहाँ सिखाएंगे, पेयर ऑन पेयर, ये 7 इलेक्ट्रॉन का भी कैसे भी जुड़ा बने नहीं हो जाएगा, मतलब 7 तो कभी जुड़ा हो सकता है, कभी नहीं होगा, तो इसको अनपेयर्ड कहेंगे लोग। अनपेयर हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, आपको मिला भी होगा केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ देखिए 6 है तो 2, 4, 6 यह पेयर्ड हो सकता है, तो यह डायमैग्नेटिक होगा, यहाँ भी 8 है तो यह भी पेयर्ड हो सकता है, डायमैग्नेटिक होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करना है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 यू सिग्मा बॉन्ड है, तो सर 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लोग हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो लेक्चर है यूट्यूब पे देख लीजिएगा, sp2। और सर sp2 जैसे होता है, क्या बताया था, sp2 के लिए y बना देना है, तो y हमेशा हमको पता है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बना के चेक कर सकते हो यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर। और देखिए जैसे ही आप y बनाइएगा, तो जैसे ही मान ली y ऐसे बनाएंगे लो, तो यहाँ क्या होगा, एक ट्रायंगल बनता है, पूरा ऐसे मिला देंगे लोग,
क्या होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे एक ट्रेंगल बनता है, इसलिए ट्रेंगुलर प्लेनर लिख देंगे, क्योंकि एक ही प्लेन होगा, अलग अलग प्लेन में पॉसिबल ही नहीं है। सर बॉन्ड एंगल कितना होगा, पूरा 360 होता है, तो तीन भागों में बांट देंगे कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसका बॉन्ड एंगल कितना लिख देंगे लोग, 120 डिग्री। सर इसमें देखेंगे तो इसका बॉन्ड, इसका भी देखिए क्या होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो इसका भी sp2 होगा, और इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। सर इसमें देखे तो इसका देखेगा तो यहाँ क्या होता है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और यहाँ पर हम माइनस चार्ज को लोन पेयर के कैटेगरी में रखते हैं, तो तीन को सिग्मा बना है प्लस एक लोन पेयर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, चार हो गया, चार के लिए sp3 हो गया, और sp3 में एक लोन पेयर होता है, तो इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल बनते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल घट के 109 से कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब ये इन तीनों के बारे में कुछ कुछ और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, इसमें हम उसको एक समरी करके लिखा देंगे, वो आज नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में लिखा देंगे, इनके वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा दो चीज का, एक तो कार्बोविटन कार्बन एन, इस पर हम लोग इसका समरी करके बताएंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे लोग। ओके, थैंक यू, आपको जैसा भी लगा हो कमेंट प्लीज करें, और अच्छा लगा हो तो शेयर अपने दोस्तों के साथ करें।